दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रतीक मौर्य। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम एक रसल वाइपर को सेफली कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, ये टेक्निक आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप प्लीज मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये सांप को बहुत बार लोग अजगर समझकर पकड़ने की गलती कर लेते हैं और दोस्तों उसी गलती की वजह से वो उनकी जान भी जा सकती है, ऐसा उनके जान पर बनने वाला ये सांप है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ही वो सांप है। दोस्तों देखिए, दोस्तों पहले हम इसे रिलीज कर देते हैं, बाद में आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक रसल वाइपर सांप है। इसका जो चेहरा होता है दोस्तों, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, और जो रॉक पाइथन जो अजगर जिसे कहा जाता है, उसका चेहरा जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। और दोस्तों, रसल वाइपर के शरीर पे ओवल शेप की चेंज बनी होती है, और जो इंडियन रॉक पाइथन होता है उसके ऊपर धब्बे बने होते हैं। दोस्तों वाइपर को दोस्तों एक हीमोटॉक्सिक वेनम वाला सांप है। दोस्तों का वेनम जो है वो अपने ब्लड सेल्स पे अटैक करता है दोस्तों, और दोस्तों अगर इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं ली गई तो दोस्तों अपनी किडनीज भी फेल हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये सांप के काटने से अपने जो मसल्स है, टिश्यूज है, वो मसल्स खराब हो जाते हैं, यानी अपना मांस सड़ना चालू हो जाता है। और ऐसा अगर सांप आपको कभी काटे दोस्तों, तो जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पे आपका जाना अच्छा होता है। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपकी जान बचेंगी, आपको झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िएगा, उसके चक्कर में आप जाओगे तो आपकी जान भी जा सकती है। ऐसा ये सांप है दोस्तों। ये सांप को कभी आपने हाथ लगाने की जरूरत मत करना। सांप अंडे नहीं देता है, ये सांप सीधा बच्चे देता है। तो इसीलिए दोस्तों, ये सांप पे जो डिजाइन होती है उसके वजह से ये सांप जब कहीं पर बैठा रहता है तो आमतौर पर ये दिखाई नहीं देता, और अगर इस पे किसी का पैर पड़ जाए या कुछ हो जाए तो ये सांप काटने में कभी संकोच नहीं करता है। और जब ये इसके जो पॉइजन के दांत होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, वो वजह से इसका जो वेनम होता है वो अपने शरीर में बोन्स तक के चला जाता है, और वो वजह से दोस्तों हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी बाहर जाते तो थोड़ा ख्याल करके चलना दोस्तों। और एक बात, हाँ दोस्तों, ये सांप अगर काटता है तो आप लोग, जैसा कि आपको मालूम है, आप पिक्चर में देखते हो कि सांप काटने के बाद में आप उसको चूस कर निकाल सकते हो खून में से जहर, लेकिन ये दोस्तों संभव नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है कि जो सांप जो काटता है तो उसका जो जहर होता है वो सामने वाले के शरीर के अंदर चले जाता है, और जब अगर आप जब ब्रश वगैरह करते हो या कुछ होता है तो आपके मुंह के अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोटें होती है, तो उसके अंदर दोस्तों अगर आपने वैसे इसमें अगर वो जहर आपने अगर चूस के निकालने की कोशिश की तो वो जहर आपके भी शरीर में असर कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों कभी आप ऐसा करना नहीं, वो सब पिक्चर के लिए ही अच्छा है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये सांप अगर काटे तो कभी आप अपनी शरीर का उस हिस्से को बांधकर भी मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों वो भी एक कठिनाई कर सकती है आपके लिए। और दोस्तों, ब्लेड मारना या ये सब चीजें भी नहीं करना चाहिए, इससे भी आपको बहुत बाद में डिफिकल्टीज हो सकती है। अगर किसी इंसान को सांप काटे तो दोस्तों सबसे पहले तो उसे आपने एकदम फ्री रखना है। अपन कहीं जंगल में भी हो गए तो उसे आपको यही बोलना है कि अपन दवाखाना पहुंच जाएंगे। उसे जा कहीं पे भी सांप काटा है तो उसकी ज्यादा मूवमेंट ना करने देना, और साथ ही साथ दोस्तों उसे कुछ ऐसा महसूस मत होने देना कि उसको अभी डर को धोखा, यानी उसकी जान को धोखा है। वो उसका उससे ब्लड प्रेशर में उसका बीपी हाई ना हो जाए, ऐसा कुछ आप उसके साथ में कीजिएगा मत। और कभी भी कोई सांप काटे तो आप दौड़ भाग करोगे तो आपका ब्लड बहुत उतनी ही स्पीड से ऊपर चढ़ेगा, और जो जहर है उसका असर भी बहुत जल्दी करेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको इतना सब केयर लेना पड़ेगा अगर कोई आपको सांप काटे तो। लेकिन मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आप किसी को सांप काटे नहीं, किसी की जान को कुछ धोखा नहीं होने को होना, हमारा काम भी वही है। हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
जबरदस्त घेरा हूँ उनको सब्जी को, एकदम पाइलट है तो। कहा गए आपने, देखा कहाँ पे? मैंने देखा, सब देखो। कब देखा? अभी थोड़ी बार देर से निकला। कितने देर पहले? हाँ अभी निकालो के निकालो यहाँ पे एक रसल स्वाइपर है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी हम इसे रेस्क्यू करेंगे दोस्तों। देखिए अंदर तला गेला 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 ना जंत गेला पोते जावळत पोते जिकडे बस बस फोन हट तो सब मंगा वो एक तला पी हट मधुरी आहे ना चिडू पॅट घे तिकडला काका तू काय होते भांडायचं तिने टिकून येऊ का मी उंदीर उंदीर मेला तो मिला तो पकड़ा दिले। देखिए दोस्तों इस चूहे के पीछे वो आया था, चूहे को बाइट हो गई है। देखिए दोस्तों जहरीला तो जहरीला तो अगर चूप बसना तो बाहर तो काय होते अलग अलग हाँ हाँ हाँ
दोस्तों देखिए यहाँ पे काफी केयरफुली हमने दोस्तों अभी इसमें हमने जो है वो रसल स्वाइपर रेस्क्यू कर लिया है। काफी मशक्कत हुई थी हमें इसे रेस्क्यू करने के लिए। ये जो रसल स्वाइपर है ये इनके घर में निकली थी तो अभी रेस्क्यू हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरे किसी अगली वीडियो में। तभी तक के लिए बाय, अलविदा।